हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि एसएससी ने डब्ल्यूटीपीओ की आंसर की रिलीज कर दी है। आप वो जाके देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और मेरी आंसर की एनालिसिस की। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा, मैं भी लाता रहूंगा और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एग्जाम था वो 28 अक्टूबर को था, जो कि मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। तो फिर मैं बोलूँगा कि जो एग्ज़ाम था उसकी साइंस थोड़ी अच्छे लेवल की थी और मैथ्स भी थोड़ा कैलकुलेटेड था। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। तो देखते हैं ना, टोटल फॉर्म हमारे 5.6 लाख भरे गए हैं, तो फिर उसकी अटेंडेंस 40% थी। मतलब काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए, मेरे फ्रेंड्स थे वो भी नहीं देने गए कुछ, लेकिन मैं गया था देने। तो फिर फ्रेंड्स, ये 2.4 लाख अप्रोक्स अपीयर हुए हैं और वैकेंसी हमारे पास 857 है, फीमेल और मेल को मिला के। तो फिर अप्रोक्स ये 20 टाइम्स बच्चे फिजिकल के लिए अपीयर करेंगे, और 20 टाइम्स होते हैं 17,140, तो इतने फिजिकल के लिए जाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स, ये तो फिजिकल के लिए कट ऑफ करेंगे, तो फिर आप देखते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो फिर हम पहले मेल की बात करते हैं। अनरिजर्व रहेगा आपका 71 to 74, ये रहेगी आपकी, और फिर EWS की 65 to 69। अगर आपके इतने अराउंड है रॉ स्कोर है, मतलब नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो फिर आपके एक दो नंबर पीछे है ना, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी तैयारी, क्योंकि नॉर्मलाइज में आपके बढ़ भी सकते हैं मार्क्स। तो फ्रेंड्स, तैयारी स्टार्ट कर दो, अगर इतने मार्क्स हैं, एक दो कम है, तब भी कीजिए आप तैयारी। और OBC 68 to 72 एंड SC 58 to 62, ST 52 to 57, PWD 41 to 44, तो आप ये मार्क्स देख के तैयारी कर सकते हो। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा इस बार। और अब हम फीमेल की बात करते हैं। 61 to 64 अनरिजर्व EWS, 56 to 59 OBC, 53 to 57 एंड SC, 56 to 58 एंड ST, 50 to 54। तो ये आपकी कट ऑफ है, आप लोग तैयारी कर दीजिए। और एक दो तो नंबर मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, कम भी या फिर ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, तैयारी कर दीजिए, अगर कम है आपके बढ़ सकते हैं। ये रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मेरी जो आंसर की एनालिसिस है वो मतलब कैसा था, मतलब कितने हुए मेरा, तो देखते हैं। आइए, तो मेरा जनरल स्टडीज़ का जो पेपर था, मतलब जनरल अवेयरनेस का, उसमें मेरे 8 गलत हुए और 12 सही हैं, आप लोग देख सकते हो। साइंस, जैसे कि मैंने बोला, साइंस थोड़ी अच्छी लेवल की थी, मतलब काफ़ी अच्छा था उसका लेवल, तो फिर मेरे 12 गलत हो गए, 13 सही। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे गलत की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप आगे देख सकते हो, मैथ्स 6 गलत हो गए, 19 सही। कंप्यूटर 6 गलत हो गए, 4 सही। रीजनिंग 2 गलत हो गए, 18 सही। तो टोटल मेरे जो राइट हुए हैं वो 66 हुए हैं और रॉन्ग है मेरे 34। तो 34 बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि एग्जाम्पल लेवल जो था वो सही था, तो फिर इसलिए मैंने ये कट ऑफ उस हिसाब से आपको बताई है, आप लोग देख सकते हो। और मेरा स्कोर जो हो रहा है वो हो रहा है 66। अब देखते हैं आगे क्या जाती है जो कट ऑफ होगी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो ये है, तो मैंने आपको बता दिया। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।